आज का वीडियो है बीएड ग्रोथ के ऊपर और मैं बीएड ग्रोथ के ऊपर पूरी बात करने वाला हूं, ताकि जो भी आपके मन में मिथ है, वहम है, डाउट है, वो पूरी तरह से क्लियर हो सके और आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या हर कोई बीएड ग्रो कर सकता है? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। हमारे जो बीएड है, हमारे जो हेयर है, हमारे जो स्किन का कलर है और हमारी जो हाइट है, ये सब डिपेंड करती है तीन फैक्टर पे। पहला हमारे जेनेटिक्स, दूसरा न्यूट्रिशन और तीसरा हॉर्मोन। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे जेनेटिक्स की। हमारे जेनेटिक्स जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं, हमारे दादा दादी से मिलते हैं और हमारे एंचेस्टर मतलब हमारे पूर्वजों से जो हमें मिलते हैं। अगर आपके जेनेटिक्स बियर्ड ग्रोथ के लिए है ही नहीं, तो आप कुछ भी ट्राई कर लेना, आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं हो सकती। क्योंकि जो सबसे पहली चीज़ बियर्ड ग्रोथ के लिए देखी जाती है, वो है आपके फेस पर बियर्ड ग्रोथ के हेयर फोलिकल्स का होना। जो छोटे छोटे बाल हैं, वो अगर है ही नहीं आपके फेस पर, तो बियर्ड ग्रोथ कैसे होगी? आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं हो सकती। हेयर फोलिकल्स का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्लीन शेव रखें, एकदम ट्रेंडिंग रहेगा। अब मैं बात करता हूँ फैक्टर नंबर दो की, जो कि है हॉर्मोन। हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन। टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन लो होने से भी आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं होती। टेस्टोस्टेरोन हमारा नंबर वन मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन ही है जिसकी वजह से हमारी मसल बिल्ड होती है, फैट लॉस होता है, बियर्ड की ग्रोथ होती है, हेयर की ग्रोथ होती है, हमारे सीमन प्रोडक्शन के लिए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो भी आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं हो सकती। तो आपको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए आपको ऐसे फूड कंज्यूम करने पड़ेंगे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी हो। तो उसके लिए आप एग योक कंज्यूम कर सकते हैं, ओमेगा 3 कंज्यूम कर सकते हैं, फिश ऑयल कंज्यूम कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड कंज्यूम कर सकते हैं, चिया सीड कंज्यूम कर सकते हैं, वॉलनट्स कंज्यूम कर सकते हैं मतलब अखरोट, और फिश में टूना और सैलमन ये आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा और आपके बालों की ग्रोथ होगी। उसके साथ आपको जितना हो सके स्ट्रेस कम लेना। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो उसकी वजह से आपका कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाएगा और वो भी आपके बालों को नुकसान पहुँचाता है, आपके बियर्ड की ग्रोथ को कम करता है। तो आपको ये सब बातें अपने ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ फैक्टर नंबर तीन की, जो कि है आपका न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन पोअर है, अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, अगर आप सही डाइट नहीं लेते, तो उसकी वजह से भी आपकी बियर्ड की ग्रोथ नहीं होती। आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपनी डाइट में। अगर आपकी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो भी इफेक्ट करती है आपके बियर्ड ग्रोथ को। तो आपको हेल्दी न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है, जैसे माइक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट, इन दोनों का होना आपकी डाइट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटीन का होना। आपके बालों की ग्रोथ, आपकी बियर्ड की ग्रोथ डिपेंड करती है प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि हमारे जो बाल हैं वो बने होते हैं प्रोटीन के। अगर आपके डाइट में, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, आप डेली प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे, तो आपकी बियर्ड की ग्रोथ नहीं होती। तो आपको ऐसे फूड कंज्यूम करना है जिसमें हाई रिच प्रोटीन हो, जैसे कि एग वाइट, मीट, पनीर, टोफू, जितने भी प्रकार की दालें हैं और उसके साथ सोया। तो आपको इन फूड का कंज्यूम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके बियर्ड ग्रोथ के लिए। और इसके साथ आपको मल्टी विटामिन लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मल्टी विटामिन आपके बोन्स के लिए, आपकी टीथ के लिए, आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए और आपकी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, उन सभी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए मल्टी विटामिन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मल्टी विटामिन जो विटामिन है वो है B7 मतलब बायोटीन। आपको बायोटीन का लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बायोटिन आपके हेयर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है, आपके बियर्ड के ग्रो के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायोटिन। उसके साथ आपको आयरन भी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयरन आपको कहाँ से मिलेगा? आयरन मिलेगा आपको मेथी में, पालक में और जितने भी नॉन वेज फूड है उसके अंदर भरा पड़ा है आयरन। तो आपको इन सभी चीज़ों को कंज्यूम करना है अपने बियर्ड की ग्रोथ के लिए।
अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिनके फेस पर पैची बियर्ड है, मतलब उनके फेस पर कहीं कहीं पे बियर्ड आती है और कहीं कहीं पे उनके फेस पर बियर्ड नहीं आती, तो मैं बात करूँगा उन लोगों की। तो उनको क्या करना है, उनको करना है कि अभी जाकर उनको शेव करवानी है, उनको शेव करवानी है। शेव करवाने से क्या होगा, मान लो ये आपका बाल है, ये जहाँ से उगता है, जहाँ पे इसकी रूट है, जहाँ पे इसकी जड़ है, वहाँ से ये उगता है, वहाँ से ये बाहर आता है, और बाहर आते आते ये बिल्कुल एंड तक छोटा हो जाता है। तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ उगना, वहाँ पे ये मोटा होता है और बाहर आते आते बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो शेव करवाने से क्या होता है, उसको दोबारा मौका मिलता है वे एक नई तरह से ग्रो होने के लिए। तो आपको बियर्ड को शेव करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज यही सब टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है जिससे आपकी बियर्ड की ग्रोथ होने लगेगी। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप बियर्ड की मसाज कर सकते हैं, इनको मॉइस्चराइज कर सकते हैं। मसाज आप किससे कर सकते हैं, मसाज के लिए आप नारियल का तेल, उसके साथ आंवले का तेल यूज कर सकते हैं। उसके साथ आपको अपनी बियर्ड को स्क्रब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रब करने से क्या होता है, स्क्रब करने से आपके जो डेड स्किन पोर्स हैं वो खुल जाते हैं और आपके नए बालों की ग्रोथ होती है, इसलिए आपको स्क्रब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने बियर्ड की मॉइस्चराइज करें, ऑयल लगाएं, स्क्रब करें और एक हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट के साथ एक्सरसाइज भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक्सरसाइज के साथ एक अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप नींद लेते हो तो आपकी बियर्ड की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है, जल्दी होती है, ताकि और आपकी बॉडी में भी रिकवरी होती है। तो आपको हेल्दी डाइट, स्लीप और उसके साथ अच्छे न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने बियर्ड ग्रोथ के लिए। ये गाइज एकदम सिंपल है। अगर आप मेरी बताई हुई जितनी भी टिप्स हैं उसको फॉलो करते हो, मन लगाकर फॉलो करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपकी बियर्ड की ग्रोथ होने लगेगी 7 दिन के अंदर। तो आपको ये सब टिप्स फॉलो करनी है गाइज, एकदम सिंपल है, हर कोई कर सकता है, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया आपको कि आप अपनी बियर्ड की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल मोहित मसल को सब्सक्राइब करना, और भी ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।